काफ़ी सारी गुड चीज़ें होती हैं फॉर योर बेबी, विटामिन ए, विटामिन के, फिर आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, तो विजन के लिए अच्छा होता है, उसकी टूथ के लिए अच्छा होता है, उसके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है उसके। तो ये रहा हमारा एक सिरप, बिल्कुल मोलासेस, बिल्कुल थिक, और आपको अगर अपनी बेबी की। हाय गाइस, वेलकम टू इंडिक रूट्स। सो आज की वीडियो है कुछ अलग, इसमें मैं बैठ के आपके साथ लेक्चर नहीं करने वाली हूँ, कोई ज्ञानबाजी नहीं है, बट ये है एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़ जो मैं अपने बेबी के लिए बनाती हूँ, उसकी कोई भी फूड डिश को और टेस्टी करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग के दिमाग में होता है कि इस चीज़ में थोड़ा मीठा कर दो तो बच्चा शायद आराम से खा ले, एंड वो उस मीठे के चक्कर में हमें क्या डालनी पड़ती है उसमें, चीनी। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि चीनी मना करते हैं 1 ईयर तक, एंड अगर हो सके तो अप टू 18 मंथ्स तक मना करते हैं कि चीनी नहीं देनी चाहिए। चीनी एंड सॉल्ट वाला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दे रही हूँ, जाके जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑल्टरनेटिव ऑफ शुगर, जो कि आप अपने बच्चे के किसी भी फूड आइटम में डाल सकते हैं उसको टेस्टी बनाने के लिए। तो वो क्या है, कैसे बनेगा, कितना लंबा प्रोसेस है, बट मैं आपको बता दूँ बहुत लंबा नहीं वो प्रोसेस है। एंड एक बार आप बना के रख लो, किसी भी चीज़ में डाल दो, एंड बस आपका काम हो गया। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरी एंड तक देखें, वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज हमें सपोर्ट दिखाइए, लाइक बटन जरूर हिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। तो वो स्पेशल चीज क्या है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, मैं इस वीडियो में बता दूं कि ये जो मैं बताने वाली हूँ इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगने वाली है, सिंगल इंग्रेडिएंट की ये रेसिपी है ना, अच्छी बात। तो वो सिंगल इंग्रेडिएंट, मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है, वो है ये रहा। तो ये हैं डेट्स या खजूर। तो इनको क्या किया हुआ है, इनको भिगो के रखा हुआ है, अब हम इसको बॉईल करने वाले हैं। तो खजूर आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छा होता है फॉर बेबीज या फिर किसी भी के लिए, और सर्दियों में तो स्पेशली ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका बनाएंगे डेट सिरप। तो डेट सिरप जो बनेगा वो बिल्कुल ही गाढ़ा बनेगा, एकदम मोलासेस अगर आपको पता है, या एकदम ही जामी कंसिस्टेंसी का बनता है, खूब गाढ़ा, जिसकी वजह से आपको इसके बाद छोटी सी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है किसी भी डिश में। अगर आपको मन है कि मुझे ये डिश मीठी करके देनी है, थोड़ा सा मैं इसको मीठा कर दूँ तो शायद बेबी खा ले, हम लोग के मन में रहता है। तो ये चीज़ बनाने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा सिरप की क्वांटिटी चाहिए होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये 2-3 घंटे से भीग रहा है, अब मैं इसको बॉईल करूँगी। तो इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, एंड अब इसमें जो डेट्स की क्वांटिटी है वो 1/2 kg ऑफ डेट्स है, एंड इसमें मैंने लगभग 2 लीटर्स ऑफ वाटर डाला हुआ है। अब ये पानी मैं इसको खूब गाढ़ा कर करके, मतलब खूब बॉईल कर करके एकदम अच्छे से, जब तक डेट एकदम मुलायम ना हो जाए, उसके ऊपर की शेल आराम से निकल ना जाए, तब तक इसको खूब ज़्यादा बॉईल करना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये डेट्स का सिरप बन रहा है और गाढ़ा हो रहा है, ये बॉईल होता जा रहा है। और इसमें मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था कि 2 लीटर्स ऑफ वाटर है, बट 2 नहीं है, 1.5 के आसपास है। तो आप भी ट्राई करना 1 से 1.5, मैक्सिमम 1.5 से ज़्यादा मत लो अगर आप 1/2 kg ऑफ डेट्स ले रहे हो। तो ये बॉईल हो रहा है और आप देख रहे हो ये ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, तो बस थोड़ा ही टाइम और है और ये पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें जो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है आप अपने हिसाब से रखो, क्योंकि एक बार जब आप फ्रिज में स्टोर करते हो ना, ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो जब आप इसमें से, मैं वैसे तो दिखाऊंगी आपको, लेकिन जब आप उतार रहे होगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं, तो फ्रिज में रख के भी ये बहुत ज़्यादा और गाढ़ा थिकन अप हो जाता है। तो अब डेट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसमें मैं बता दूं कि क्या क्या, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी गुड चीज़ें होती हैं फॉर योर बेबी। तो स्टार्टिंग विद विटामिंस, तो इसमें होता है विटामिन बी सारे तरीके का होता है, विटामिन B9 होता है, B3 होता है, B6, B2, B1, विटामिन ए, विटामिन के, फिर आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही आप अगर डेट्स अपनी बेबी को प्रोवाइड करते हो व्हेन ही और शी हैज फीवर, उसके इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा होता है, उसके लिवर के लिए अच्छा होता है, बॉल मूवमेंट्स के लिए, तो इसमें इतनी ज़्यादा रिचनेस, इतनी ज़्यादा गुडनेस है कि मैं आपको लिस्ट बताती जाऊँगी और ख़त्म नहीं होगी। और मैं बताऊँ किस चीज़ के लिए अच्छा होता है, उसके विजन के लिए अच्छा होता है, उसके टीथ के लिए अच्छा होता है, उसके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए अच्छा होता है। तो आप लिस्ट बना दो, इतनी लंबी लिस्ट, इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स, आप एक और मीठी चीज़ में मुझे बता दो, वो ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो कि मीठी है एंड इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंड आप अपने बेबी को सेफली ऑफर कर सकते हो,
क्या इस चीज़ के बाद भी आप शुगर देना प्रेफर करोगे? आई डोंट थिंक सो, इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि बेबी आज डिनर में तुम यही ले लो, तुम यही खा लो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छे से अच्छी चीज़ भी मॉडरेट क्वान्टिटी में ही ऑफर करनी है टू योर बेबी। तो एक से दो स्पून ही काफ़ी होगा टू ऐड टू एनी डिश दैट यू ऑफर टू योर बेबी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कितना रिड्यूस हो गया है। अब हम दिखाएंगे आपको एक और स्टेप जिसमें कि मैं उसका पल्प से अच्छे से उसका सारा अच्छा एकदम डेट का पूरा एक्सट्रैक्ट निकालूंगी। एंड अब ये अपनी फाइनल स्टेज पे आ चुका है, एकदम आप इसको देखोगे इसका जो पल्प है एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम मुशी हो गया, एकदम अच्छे से दब रहा है, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। देखो अभी ऐसी स्टेज पे आ गया कि अगर मैं इसमें कपड़े से दबाऊंगी तो इसका सारा एक्सट्रैक्ट आराम से निकल आएगा। अच्छा, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि जो आप डेट्स लोगे वो या तो पहले से ही पिटेड होने चाहिए, मतलब बीज निकले होने चाहिए, या आप सीड्स निकाल के ही एंड फिर उसको उबालने के लिए चढ़ाना, नहीं तो बाद में गरम गरम डेट्स में से सीड्स निकालने पड़ेंगे। अब ये गैस मैंने बंद कर दी है, अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी ताकि मतलब मेरा हाथ सह पाए इसको, मैं अच्छे से इसका एक्सट्रैक्ट निकाल पाऊँ। तो थोड़ी देर रुकते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं एंड फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। अब ये पूरे मेरे पास मिक्स रेडी है और मेरे पास ये है पोटैटो मैशर। तो पोटैटो मैशर की यूज़ करके मैं इसमें जो भी पूरा पल्प था एकदम अच्छे से मैश कर दिया है एंड इसमें कोई पल्प नहीं दिखता है। तो या तो आप पोटैटो मैशर का यूज़ कर लो या फिर हमारे पास हैंड मिक्सर होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हैंड मिक्सर है, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा लग रहा है, कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। देखिए एकदम अच्छे से पानी और ये जो है मिक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर ये रेडी कर लिया है, ये एक बर्तन है जिसमें सिरप निकलेगा, छन के आएगा, ये सीव है, ये छन्नी है एंड इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा आप रख लो छानने के लिए। तो अब मैं इसको छानती हूँ, इससे इसको थोड़ा थोड़ा स्पून से चला के आप ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर सकते हो। इसमें से ये इसका जितना वाटर है हम पहले ट्राई करेंगे कि ऐसे ही स्पून की मदद से छन जाए, फिर इसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी बचेगी पल्प की तो वो हम हाथ से कपड़े को एकदम प्रेस करेंगे और फिर निकालेंगे। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें वेस्ट नहीं होगा आपका कोई भी खजूर का जो पार्ट है वो वेस्ट नहीं होगा। इसमें जो बाद में जो निकलता है, जो बचता है, जो सिरप में नहीं होता है, वो होता है मेनली इसका पल्प फाइबर्स, जो अगेन बहुत ही अच्छे होते हैं, उसको बड़े लोग भी आराम से खा सकते हैं। तो आप उसकी कोई मीठी स्वीट डिश बना सकते हो, उसमें नट्स वगैरह ऐड करके मिठाई बना सकते हो, बहुत टेस्टी। या हम तो ऐसे ही उसको खा लेते हैं खजूर की तरह, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको मैं थोड़ा छान लेती हूँ। तो अब देख लो एकदम इसको निचोड़ निचोड़ के इसका सारा बूंद बूंद एकदम एक्सट्रैक्ट हमने निकाल लिया है एंड इसको दो बैचेस में मैंने निकाला है। तो पहले बैच का जो पल्प बचा है वो ये है, इसको मैं अच्छे से इसमें रख देती हूँ क्योंकि ये अब फ्रिज में स्टोर हो जाएगा एंड इसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, जैसे मर्जी आप यूज़ करो। और ये है हमारी मेन असली चीज़ जो कि है पूरा एक्सट्रैक्ट ऑफ डेट एंड इसी को गाढ़ा करके बनेगा डेट सिरप। तो अब ये थिकन अप हो रहा है एंड ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, इसकी मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा भी वाटरी ही लग रहा है पर अब हम इसको और थोड़ा गाढ़ा करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक ही इंग्रेडिएंट यूज हुआ है थ्रू आउट, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, बट वो इंग्रेडिएंट इतना रिच है कि इसमें थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है इसमें फाइनल स्टेप में आने में। तो बहुत सारी चीज़ें डालनी नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम और पेशेंस डालना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, तो पहले मैंने दिखाई थी और ये देखिए कंसिस्टेंसी, एक फ्लो बनना चाहिए। ठीक है, अभी ये फिर भी पतला है, ये जब सेट हो जाएगा तो ये और थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने 1.5 लीटर ऑफ वाटर से शुरू किया था एंड अब ये रिड्यूस होके कितना हो गया है, काफ़ी कम हो गया है इसका रिडक्शन और ये अब थिकन हो गया है। अब बस इसको सेट करने की देर है, सेट गैस पे नहीं होगा, हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे एंड फिर मैं इसकी फ़ोटो आपको या इसका वीडियो फाइनल इमेज आपको कल दिखाऊंगी जब ये पूरी कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मोलासेस वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो सच में वैसे ही आती है, एकदम थिक आती है। तो चलिए मैं इसको सेट करने के लिए दूसरे बर्तन में पोर करते हैं। पोर हो गया है एंड एकदम ही, अगर आप अभी मेरे किचन में होते बिल्कुल एकदम डेट डेट खूब मीठा मीठा महक रहा होता। सो ये
एकदम अच्छा सा सिरप बनने वाला है एंड 1.5 लीटर्स का देखो कितना कम सिरप बना है, बट ये बहुत कम यूज होता है, 1 से 2 स्पून यूज होता है, तो आराम से आपका 1 मंथ चलता है। आज है नेक्स्ट डे एंड मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट कि कैसा दिखता है, कि फाइनल एंड प्रोडक्ट कैसा होता है डेट सिरप का। तो ये रात भर डेट सिरप जो है फ्रिज में सेट हुआ है। ओके, सो ये रहा हमारा डेट सिरप। अब ये आप इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस देखिए कि ये कितना थिक बना है, बिल्कुल मोलासेस, बिल्कुल थिक। और आपको अगर अपनी बेबी के किसी भी रेसिपी में डालना है तो बेबी फूड थोड़ा सा होता है, सो ओनली 1 स्पून इज इनफ। तो ये था मेरा वीडियो ऑन डेट सिरप, और इसी का एप्लीकेशन करते हुए मैं एक और रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि अगेन बहुत ही टेस्टी और एक चीज़ का हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके लाइक बटन ज़रूर हिट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कुछ नई चीज़ आप देखना चाहते हैं, कुछ फूड आइटम्स में ही नया देखना चाहते हैं, बेबी फूड कुछ नया देखना चाहते हैं, तो हमें कॉमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।